अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अथर और जो मेरी आज की वीडियो है वो लवबर्ड्स के हवाले से है। लवबर्ड्स की मैं ब्रीडिंग की अपडेट कर रहा हूँ, मंथली अपडेट कर रहा हूँ, अक्टूबर की ये अपडेट है। और इसमें जो है मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ कि कुछ बर्ड्स मेरे ऐसे थे जिन्होंने बच्चे निकाल दिए थे, वो अलग कर दिए, लेकिन ऐसे बहुत कम बर्ड्स थे। लेकिन ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं उनकी ब्रीडिंग अब ऑन हुई है, मतलब अब उन्होंने अंडे देना शुरू किए हैं। लास्ट की रची का मौसम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत लेट शुरू हुआ है ब्रीडिंग इस दफ़ा, देखते हैं क्या होता है। तो अभी जो है मैं आप दोस्तों से शेयर करूंगा, कुछ पेयर ऐसे हैं जिन्होंने नेस्टिंग में आप दोस्तों ने देखी थी नेस्टिंग का भी, और कुछ पेयर ऐसे हैं जो कुछ पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी नेस्टिंग से, मतलब मैंने सिंगल केज किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप इसका जो है इस मदीन अंडे दिए हैं, लेकिन मैं एक हाथ में मेरा मोबाइल है तो मैं इसकी नहीं दिखा सकूँगा। बकाया जिस पेयर के पॉसिबल होगा मैं आप दोस्तों से शेयर करेंगे इसका। अच्छा, यहाँ दिखाने का मकसद अब ये देख रहे हैं किस तरह की नेस्टिंग करके, और इन्होंने जो है वो अंदर इस पेयर ने भी ब्रीड करी। ये पुराना पेयर है, ऊपर वाला जो पेयर था वो नया पेयर था, ये पुराना पेयर था। और ये पेयर जो है फर्स्ट टाइम ये पट्ठों का मेरा बड़ा हुआ है, पट्ठे इसमें मैंने नेस्टिंग नहीं करी हुई, ठीक है, इसका एक वजह थी, उसलिए मैंने नेस्टिंग नहीं करी थी और इसने अंडे दे दिए तो मैंने इसको छेड़ा नहीं। ठीक है, अंडे जो हैं वो ओके, ये नया पेयर है। उसके बाद जो है मेरा एक यहाँ पर लोटिनो का पेयर है, ये बहुत पुराना और बहुत मेरे पास, मतलब ये पेयर ऐसा है कि ये पट्ठे थे, पट्ठे मेरे पास बच्चे निकले थे, बच्चे निकलने के बाद ये बड़े हुए, इन्होंने मेरे पास ब्रीडिंग स्टार्ट करी। पूरा पेयर अंदर बैठा हुआ है, आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, और ये इसने भी अंडे दे दिए हैं, ये अंडों पर बैठा हुआ है। ये बहुत दफ़ा मेरे पास ब्रीड कर चुका है, मतलब इसने लास्ट ईयर में जो है वो 3 ब्रीड करी थी, लास्ट ईयर जो है इसने ब्रीडिंग शुरू करी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ शेयर करनी थी, ये कुछ पट्ठे थे यहाँ पर मैंने अलग कर दिए कुछ पेयर, ये मेरे पास पट्ठे और बड़े मिक्स थे, इसके अंदर कुछ पेयर ऐसे थे जो ब्रीडिंग कर रहे थे सही, और कुछ पेयर ऐसे थे जो लास्ट ईयर जो ब्रीडिंग सही नहीं कर रहे थे वो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लगाई हुई है मैंने खुरपी, इसको मैं हटा देता हूँ। ये पेयर मेरा कन्फर्म हो गया, ये अंडे दिए मैं अंदर, ये इन 3 दानों को मैं निकाल दूँगा, 3 दाने एक्स्ट्रा है और पूरा अंदर पेयर बैठा हुआ है, और उसने अंडे दिए मैं तो मैंने बहुत ज़्यादा नेस्टिंग नहीं करी हुई थी, हल्की सी नेस्टिंग थी, इसने अंडे दे दिए और बिल्कुल ठीक पेयर है, मतलब मैंने चेक कर लिया, मेल भी कंफर्म, फीमेल भी कंफर्म है, उस पर निशान तो लगा दिया है। ये पेयर जो है वो सेट हो गया है, अब इसको हम ऊपर से दिखा देते हैं क्योंकि इसने नेस्टिंग नहीं करी तो आपको आसान से नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसने अभी अंडे देना शुरू किए हैं, मेल फीमेल कन्फर्म है, हमने चेक कर लिया हड्डी से, और यहाँ पर फिशर हैं सारे, इतने भी से इसमें ये सिर्फ एक जोड़ा नीचे जो है, 2 जोड़े, एक लोटिनो का है और एक फिशर का है, बकाया सॉरी लवबर्ड्स का है, और मैंने ये डाले हुए थे इसमें से, वो मैं 3 दाने निकाल के अलग कर दूंगा और इस पेयर को मैं यहीं छोड़ दूंगा, इसकी ब्रीडिंग इसमें आ गई है, ये पेयर सेट हो गया, इसमें अच्छी ब्रीडिंग है। पूरा फिशर का पेयर अंदर है, इसमें भी अच्छा, इसमें फिशर में जो है तकरीबन जो है उन्होंने फिशर ने तकरीबन जो है वो सेट हो गए, अंडे देना शुरू कर दिए। उसके अलावा कुछ पेयर उस तरफ चलते हैं, यहाँ पर एक मेरा नया पेयर डाला है, लोटिनो का पट्ठा बड़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम इसने ब्रीड की रही मेरे पास, और अच्छा पेयर है, मतलब हेल्दी पेयर है, हर लिहाज से बेहतर है, इसने भी अंडे देना शुरू किए हैं, दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, बल्कि इसने अंडे देना शुरू नहीं किए हैं, इसने अंडे ही 3 दिए हैं, ये इसने काफ़ी टाइम हो गया इसको अंडे दिए हुए, और इसमें अंडों में जो है वो बच्चे बने हुए, मुझे अभी देखा तो वाजे हुए। ये फीचर का पेयर है, लास्ट ईयर ब्रीडिंग इसने करी थी ओके, इसने नेस्टिंग जो है वो बहुत ही घुमा के बनाई हुई है, तो मैं असल में कोने में है और मैं इसको नहीं दिखा सकता आप दोस्तों को, हम फीमेल जो है वो अंदर है, मेल जो है वो बाहर है। कुछ पेयर यहाँ पर हैं फीचर के, पूरा पेयर नहीं आ रहा, पेयर ये पेयर अच्छे पेयर हैं, लास्ट ईयर ब्रीडिंग करते हुए पेयर हैं। उसके अलावा इस पेयर के बच्चे जो हैं मैंने इस पेयर में जो हैं, अच्छा मुझे बैलेंसिंग भी करनी है, इसमें बच्चे आए हुए थे, एक ही बच्चा है, बड़ा हो गया बच्चा, अंडे ख़राब हुए हैं इसके, लेकिन एक बच्चा है वो बड़ा हुआ है, और
पर एक पियर है मेरे पास, ये लोटिनो नहीं है, ये चेरी है, लेकिन इसका कलर अच्छा है। चलें जनाब, पियर पूरा बाहर आ गया, चेरी का पियर है। इसने अंडे दिए हैं काफ़ी टाइम से, और आई थिंक कुछ दिनों में इसके जो है वो बच्चे इंशाल्लाह आ जाएंगे। दो अंडे इसमें से मुझे ख़राब लग रहे हैं और चार अंडे ठीक लग रहे हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये पियर है मेरा, पुराना पियर है, ये भी बहुत पुराना पियर है, सैल्मन पियर है, ये भी मेरा बहुत अच्छा पियर है, मतलब ब्रीडिंग करता हुआ पियर है। ठीक है जनाब, दो अंडे। अच्छा, ये अंडे थोड़ा सा दब रहा है, मैं इसको देखता हूँ क्या सीन है, इसको मैं सेट कर दूंगा। ऐसा होता है समटाइम, कुछ पियर ऐसे होते हैं जो ऐसी करते हैं। और ये भी मेरा पुराना पियर है, इसने अभी अभी देना शुरू अंडे शुरू किए इसने। ठीक है जनाब, और ये भी अच्छा पियर है, पुराना पियर है, ये भी मतलब पुराने पियरों में मेरा शुमार होता है इन पियरों का। ये अच्छे पियर है, मतलब दो साल से कोई पियर ऐसा है, डेढ़ साल से ब्रीडिंग कर रहा है। और एक ये मेरा पुराना पियर है। अच्छा, मेरे पास जो है लवबर्ड्स के तकरीबन, दोस्त पूछते थे कितने पियर हैं मेरे पास, इस वक्त तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरे पास फिशर जो थे 250 से प्लस पियर थे, मेरे पास 350 के करीब पियर थे सारे इंक्लूड करके। उसमें से मैंने बजरी जो है ख़त्म करके 30-35 पियर रखे हैं, जिसमें बजरी के अंदर फेलो हैं, बजरी हैं, कॉमन बजरी हैं, और किंग वगैरह या रेड आइस, इन सबको मिला के मेरे पास 35-40 पियर्स बचे हैं। पकाया मैंने सब ख़त्म कर दिए थे इस साल में ब्रीडिंग शुरू होने से पहले। ठीक है, और उसके बाद लवर्स मैंने थोड़े कम किए, फिशर मैंने थोड़े कम किए थे, थोड़ा मेरे पास इशू हो रहा था टाइम का। तो अब मैं दोबारा थोड़े से, अब जो है मैंने आप दूसरों से पहले शेयर भी किया था, अब जो है मैं बड़े बर्ड्स की तरफ जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने रिंगनेक डाल ली हैं, अलेक्जेंडर डाल दिए हैं इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप सबसे शेयर करेंगे। उसके बाद ये मेरा पुराना पियर है, इसके भी अंडे हैं, ये पुराना पियर है, इसके भी अंडों पर बैठा हुआ ये पियर भी। और अच्छा, यहाँ पर मैंने एक फेलो डाल दिया था, मेरे पास जगह नहीं थी फेलो और ब्रीड पे था फेलो, इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया था जल्दी से जल्दी में, और इसका माशाल्लाह से रिजल्ट आ गया है। तो मैं बजरी की अपडेट इंशाल्लाह आप दोस्तों से कल करूँगा, आज मैं बजरी की अपडेट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था, ये बीच में आ गया तो मैंने आप दोस्तों से इसको शेयर कर लिया। और एक पियर ये है मेरा, ये भी लास्ट ईयर मेरे साथ सेट हुआ था यहाँ पर, और इसकी एक चीज़ थी, इस मादी की जो है फीमेल जो है इसकी एक आँख नहीं है। मैं बहुत दफ़ा इस पियर को दिखा चुका हूँ और ये ब्रीड करती है, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं। अच्छा, कुछ पियर मेरे पास, दो तीन पियर ऐसे हैं, ये मारती है मादी ना, इसकी नाक भी ख़राब हो रही है, देखना पड़ेगा। इसकी एक आँख ख़राब है और इसका एक बच्चा भी है। ठीक है, इसके दो बच्चे थे, एक बच्चा हटा दिया था, एक बच्चा मैंने किसी को दे दिया था हैंड टाइम के लिए। और उसके बाद यहाँ पर ये भी सारे, ये वाले सारे मेरे नए पुराने पियर हैं, ये मेरा पुराना अच्छा पियर है, अच्छी ब्रीड करता है, मतलब इसकी एवरेज अच्छी है, ये 4 से 5 बच्चे लाजमी निकालता है माशाल्लाह से। और अभी भी ये मादी अंडों पे बैठी हुई है। उसके बाद ये पियर भी अच्छा, यहाँ पर जितने भी मेरे पियर हैं सारे पुराने, पूरा पियर अंदर बैठा हुआ है और अंडे इसके नज़र आ रहे होंगे आप दोस्तों को। ये पियर भी मेरा पुराना है और ये भी अच्छी ब्रीड करता है, मतलब कि इसकी भी एवरेज जो है वो 4-5 की है, 4-5 बच्चे इसके लाजमी होते हैं। ये मेरा एक नया पियर है, लास्ट पीछे की तरफ जो है मैंने केज खाली किए हैं, बहुत सारे केज मेरे खाली हैं इस वक्त ना, तो उसमें जो है वो गन भी हुआ हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पियर जो हैं बजरी के बिल्कुल ख़त्म कर दी। बजरी मैंने अपने पास से 250 पियर से जो एकदम से जो है मैं 30-35 पियर के ऊपर आ गया हूँ, तो फ़र्क पड़ा है। अच्छा, इस पियर ने जो है अभी कुछ भी नहीं किया, मादी अभी बाहर आई है, ये पियर है पूरा, ये नया पियर है, फर्स्ट टाइम ब्रीड के लिए रेडी है, और मादी की वैन लोडेड हो गई, मतलब वो अंडों पे आ गई है। यहाँ पर जो है अच्छा, ये वही पट्टे हैं, इसमें बहुत सारे मैंने सेट करके निकाल दिए हैं, बहुत सारे तो नहीं निकाले, थोड़े से निकाले हैं, असल में टाइम नहीं मिल पाया था। और एक पियर इसमें अंदर है, इसका मैंने निशान तो लगा लिया, पूरा पियर अंदर है, और ये आई थिंक अंडे भी दे देगा कुछ दिनों में। इसको मैं यहाँ पर अंडे नहीं लूँगा, इस पियर को मैं यहाँ से हटाऊँगा, क्योंकि ये सारे बहुत सारे पियर हैं यहाँ पर, ये जल्दी सेट होंगे। अगर मैं इन सारे पियर को यहाँ से हटाऊँगा और दूसरी जगह पर लेके जाऊँगा तो ये देर से सेट होंगे, यहाँ पर सेट इसलिए हो गए, ये इसमें जाएंगे, बॉक्स में जाएंगे और जल्दी ब्रीड करेंगे।
इस बॉक्स से, इस केस से जो है ये मानूस हो गए, मतलब कि फ्रेंडली हो गए इस जगह मॉल से। अगर मैं इन सारे पेयर को उठा के किसी और केज में रखूँगा और एक जो सिंगल पेयर है उसके लिए मैं करूँगा, जैसे कि वो मेरा मैं सोचेंगे लॉस के यार ये पेयर सेट हो गया इसको इसी केज में छोड़ दो, जैसे मैंने लास्ट वाले केज में किया है। उसमें मैंने इसलिए किया है कि उसमें सिर्फ 3 दाने हैं, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे दाने हैं, तो एक पेयर के लिए हम सारे दानों को ख़राब नहीं करेंगे माहौल। यहाँ पर जो ये जल्दी सेट हो जाएंगे ज़्यादा पेयर, और कम पेयर जो है वो कहीं भी जाके जो है वो सेट हो जाएगा, क्योंकि उसको पेयर लग गया है, उसने बॉक्स अपना चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर जो है इस वाले पेयर को हम हटाएंगे जो सिंगल के बॉक्स के अंदर है, इन पेयर को नहीं हटाएंगे। वहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पर हमने जो है वो जो जिस पेयर ने अंडे दे दिए उसको हमने वहीं रहने दिया और बकाया पेयर हटा दिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान करने की होती हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, इस पेयर को यहीं रहने देंगे और इन सबको हटाएंगे, तो ये सारे हमारे जो हैं सेट नहीं होंगे जल्दी। तो ये सारी चीज़ें देखने की होती हैं। उसके बाद कुछ पेयर मेरे यहाँ पर हैं, ये मेरा पुराना पेयर है माशाल्लाह से, इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, मतलब पुराने से मुराद इतना पुराना है कि एक एक डेढ़ डेढ़ साल पुराना है। इसने भी अंडे दे दिए माशाल्लाह से। ये पेयर मेरा लास्ट ईयर का है, इसने भी इसके अच्छा इसके बच्चे जो है मैंने उठा के दोनों दे दिए, दो बच्चे थे एंड टाइम के लिए किसी को चाहिए थे उनको दिए मैंने। और यहाँ पर मेरे पास फिशर हैं, इनको मैं अलग नहीं कर पाया। ये इसमें से बहुत सारे बॉक्स में जा रहे हैं, जैसे सेट होंगे इन सबको अलग कर देंगे। ये एक मेरा पेयर है, ये पेयर बना है, आपस में बन गया ये पेयर, मैंने एक साथ छोड़े हुए थे, बहरहाल खैर है, मसला नहीं है, बस रिज़ल्ट आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आएगा। उसके बाद ये लास्ट वाली गली है। अच्छा, मेरे पास जो है वो तकरीबन लवबर्ड के 100 पेयर होंगे, 100 तकरीबन, ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत कम मैंने कर दिए हैं, 100 के करीब लगभग 100 होंगे, हो सकता है 100 हों या हो सकता है इससे भी थोड़े से कम हो। ये नया पेयर है, इसने भी अंडे देना शुरू किए हैं, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि नेस्टिंग ना होने की वजह से आप देख रहे हैं ये अंडे ख़राब कर दिए इसने। ये वाला एक अंडा नया है, बकाया सारे अंडे ख़राब कर दिए, ये होता है नुकसान नेस्टिंग ना होने का, इसको देखना पड़ेगा। इस पेयर ने किया है ख़राब, जगह ख़राब की है, टाइम ख़राब किया है। और ये मेरा पुराना पेयर है, इस पेयर ने बहुत सारे बच्चे निकाले हैं। अच्छा, इसका भी सेम सीन है, इसने भी वही किया हुआ है, इसकी भी नेस्टिंग नहीं है, तो आप देख रहे होंगे अंडे आगे पीछे हो रहे हैं, अंडे इसके ठीक हैं लेकिन आगे पीछे हो रहे हैं नेस्टिंग ना होने की वजह से, ये नुकसान होते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ पेयर और है मेरे पास, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी वही सेम सीन है, यहाँ पर मैंने 6 दाने डाले हुए थे, 6 दानों में से जो है वो कुछ जो है वो मैंने अलग कर दिए थे और कुछ नहीं कर पाया। आज मैं इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करूँगा जितने मैक्सिमम हो सकेंगे मैं पेयरिंग अलग कर दूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ा सा, मैं पिछले दिनों में जो है वो, इसमें भी सेम वही सीन है, इसमें एक पेयर लगा हुआ है, इसने 2 अंडे दिए हुए, ठीक है जनाब। इसमें से हम क्या करेंगे, ये पेयर सेट है, इसको हम छोड़ देंगे, इसका मेल देख लेंगे कौन सा है। 5 दाने इसके अंदर, एक दाना मैंने निकाल लिया है, इसमें से एक दाना इसमें से ख़राब है और 2 दाने और ठीक होंगे, और जो इसके साथ मेल लगा होगा या फीमेल जो भी होगा उसको हम निकालेंगे, उसके साथ यहीं रहने देंगे, इस वाले केज में रहने देंगे, क्योंकि जो इसमें से बकाया दाने बचेंगे वो 3 बचेंगे। तो यहाँ हम रिस्क ले लेंगे इन 3 दानों का, कहीं और छोड़ेंगे, 3 इनको छोड़ेंगे, 3 वो जो उस वहाँ से निकलेंगे उनको एक साथ छोड़ देंगे, और जो पेयरिंग बनेगी वो कर लेंगे। अगर देखेंगे इसमें से बाहर कोई पेयर लगा हुआ है तो उसको भी अलग कर देंगे, और उस वाले केज में जो बाहर पेयर लगा होगा उसको भी अलग कर देंगे। अच्छा, फिशर में एक दोस्तों ने मेरे से पूछा था कि यार फिशर में जो है हमें इशू आता है कि इशू ये होता है कि फिशर में पेयरिंग नहीं होती, वो हम पकड़ने जाते हैं बॉक्स से एकदम निकल जाते हैं, क्योंकि इनका कलर सेम होता है, तो इस वजह से हमें इशू आ रहे हैं, तो क्या किया जाए। इसका सिंपल सा हल ये है कि आपके घर में कोई कलर होगा, मार्कर होगा या नील पॉलिश वगैरह इस टाइप की चीज़, वरना मार्कर से काम चल जाता है। पेयर के ऊपर जो भी पेयर हो, कोई सा भी हो, आप पकड़ें उसके ऊपर किसी भी कुछ निशान लगा दें, किसी भी कुछ, मतलब किसी की शोल्डर पर निशान लगा दें, किसी भी उंगली पर निशान लगा दें, किसी की हेड पर निशान लगा दें, किसी की साइड पर, मतलब अलग अलग किस्म के निशान लगा दें, ठीक है। जब वो पेयर एक साथ बैठे, आप निशान को सिर्फ नोट कर लें, ये वाले निशान वाला साथ इसके साथ था और ये निशान इसके साथ था, तो फिशर में जो है वो इस तरह से पेयरिंग की जाती है। अगर आपके बॉक्स से निकल जाते हैं या आपके हाथ से निकल जाते हैं, बड़ी कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर पेयरिंग ऐसे की जाती है। और अगर आप दोस्तों को नहीं समझ आएगा तो मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगा इंशाल्लाह कि फिशर के ऊपर और ब्लू पस्तांडा जो सेम कलर के बर्ड्स होते हैं उसमें पेयरिंग कैसे की जाती है। कॉलोनी में बहुत सारे इश्यू दोस्तों को आते हैं, मुझे पता है इसका, तो कोशिश करूँगा अगर इसमें अगर समझ नहीं आया आप दोस्तों के कमेंट ज़्यादा आए तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। अभी मेरे पास फिशर भी हैं
तो आप दोस्तों को आसानी हो जाएगी। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, पी अमान अल्लाह।